अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरी मम्मा की सालगिरह रबीउल अव्वल में थी और मैंने मम्मा को गिफ्ट नहीं दिया था, तो आज मैं अपनी मम्मा को गिफ्ट देने वाली हूँ। क्योंकि रबीउल अव्वल के दिन नहीं बनाते, सालगिरह गुना मिलता है, तो इसकी वजह से मैंने मम्मा को गिफ्ट नहीं दिया था। तो अभी मैं गिफ्ट दूँगी मम्मा को। जो मम्मा शादियों के दौरान मम्मा बाहर जाती है, मम्मा के लिए मैं एक मशीन ले आई। अजान हो जाए तब मिलेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाऊँगी, इस पर मैंने बाहर लिखा अपना अभी हाँ बतू लिया है, और ये मैंने चिड़ी बनाई है अंदर पूरे। और ये मम्मा सुबह हम नाश्ता कर रहे थे, तो ये मैं एक लाई थी बाहर से, तो मम्मा बोली थी कि बहुत मज़े की है मेरे लिए, मेरे को आप ला के देना। तो ये मैं मम्मा के लिए लाई हूँ बल्ले बल्ले। मैं उसको वापस खेले बताते थे, मम्मा का पता नहीं, मम्मा कभी भी आ जाएंगी। मम्मा के पानी एक तो मशीन लाई हूँ बोलिए, अभी फिर मम्मा को बुला के सरप्राइज देंगे। ये भी मशीन ये पता नहीं कहाँ लगता है, ये मम्मा देख रही है शायद इसमें ये लगता होगा ये। और ये जैसे आईब्रो बना लिया उसको यूज कर लो, और इसका चार्ज करने वाला को चार्ज रखें रखो रखो। और ये देखते हैं यहाँ से चलता है, यहाँ से चलते हैं। मम्मा घुस गई, मम्मा घुस गई, चलो मम्मा को बाहर भेजते हैं। तो गाइस मम्मा को बाहर भेजते हैं, यहाँ से चालू होती है, कहाँ से होती है कैसा है ये खत्म हो जाए तो दूसरे दिन। पता नहीं कैसे चला था, मेरे पापा ने चलाई थी, ऐसे करके चलाते हैं। चलो इसको बंद करके रखते थे, वरना मम्मा आ जाएंगी। और मम्मा को आप बुलाते हैं, मम्मा आ जाओ। चलो मम्मा आ रही है, तो मम्मा आएंगे जब मिलेंगे। तो गाइस मम्मा आ गई है, हाँ देखे मम्मा आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अभी हाँ जो है मेरे लिए पता नहीं क्या गिफ्ट लेकर आइए, देखते हैं। चलिए ओपन तो कर लिया होगा। हाँ मैंने आपको कुछ खाया, और जो तुम मांग रही थी आप सुबह में वो मैं लाई हूँ। और ये चेक, वेलकम, ये चेक पर है, और ये इस पर तो बताया हैप्पी बर्थडे मामा, किसने लिखा है? वाह अभिया की राइटिंग है। हाँ ये देखिए रिवर्स इसकी राइटिंग, अभिया दिख रही है आप, कितनी प्यारी राइटिंग है ना। अभी क्लास थ्री में है, बताइएगा कॉमेंट करके कि आपको राइटिंग कैसी लगी है अभिया की। हैप्पी बर्थडे मामा, और क्या है, हमने आपकी बर्थडे नहीं बनाई थी, इसलिए मैं आज ज़िद करके आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ पापा से, अभिया बतूल की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। कबूल हो। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये आईब्रो पेन, ये देखिए आईब्रो पेन लाइए। उससे अपन की जैसे बड़ी हो जाती है ना, उसको काटते हैं। हाँ, उसका ब्रश भी है। मैं थ्रेड करवाती हूँ ना अक्सर शादी वगैरह में जाते हैं, वरना अदरवाइज मैं नहीं बनवाती हूँ। शादियों में जब जाते हैं तब ये देखिए, यूज करके दिखाएंगे व्यूअर्स को। नहीं आप दिखाएं, अजाने हो रही है तो मिलेंगे अजान के बाद। तो कैसे मम्मा जी, तो मैंने ओपन कर लिए, देख सकते हैं आप, ये पेन टाइप का लेकर आई है भैया, और ये अच्छी चीज़ है, आप लोग भी इसको घर में यूज कर सकते हैं, आईब्रो के बाल भी बना सकते हैं आप लोग इससे। और ये दूसरी वाली, ये देखिए पेन टाइप का, इसका दिख रहा होगा इस तरीके का। और एक ये है मोटी, और ये थ्रेडिंग वगैरह फेस के आपको अगर बाल करने हो तो उसके लिए अच्छी चीज़ है। ओपन किस तरह होती है? अच्छा इसमें लाइट भी ऑन होती है, अच्छी वाली चीज़ ला के दिया। और ये मैंने सैडली से कटी है, पॉकेट मनी से, देखें लाइट दिख रही है आपको ऑन हुई, पॉकेट मनी जो थी ये देखें लाइट ऑफ हुई है। अभी आपको इस पर ब्लैक उस पर दिखा, ये देखें लाइट ऑन हुई है, पॉकेट मनी जो थी मेरी उसमें से ये पैसे कटे लाइट वाली। ये थी 1200 रुपए की, ये थी 1200 रुपए की, फिर हमने रेड कप कराया और 1000 के लिए, 1000 के लिए भाई, 1000 रुपए के लिए 1200 की थी, बार्गेनिंग करके लेकर आए भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है। अब ये है कि मेरा पॉलर जाने से जान छूट गई, जो सिर्फ आईब्रोज के लिए जाती है,
और अक्सर आईब्रो मेरी गलत कर देती थी पॉलर्स में, यानी खराब हो जाती थी, अब मैं नहीं जाऊंगा। मम्मा जब हम कहीं गए हुए हो ना, जब बनाना टूटा अगर हिला दिया तो आप क्या करोगे? हां, और व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाह रही हो, जल्दी से दे दो। हां, आप हमारा वर्स्ट टाइम बनाए, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ेगा हम वीडियो कैसे बनाएंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें कैसे बताएंगे, आपको अच्छी अच्छी चीजें कैसे दिखाएंगे। अब वर्स्ट टाइम हमारा बढ़ा है, इसकी वजह से हम वीडियो बनाएंगे। और मैं अभी कुकिंग भी इसीलिए नहीं कर रही हूँ ना, चैनल पर डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मेरी हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए, सारी वीडियोस को देखिए, वॉच टाइम बढ़ाइए मेरा। और नेक्स्ट चैनल भी जो है वो ऑन हो चुका है, उस पर काम चल रहा है मेरा। अगर आप लोगों को वहाँ वीडियो नजर आ रही है तो देखिए, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे और मुझे भी कामयाबी। आमीन। ये देखिए, इसके साथ आईब्रो का जो सेटिंग का ब्रश होता है वो भी दिया, बहुत प्यारा है, माशाल्लाह अच्छा है। तो आप लोग भी खुश रहें, जहाँ कहीं भी रहें, शादोआबाद रहें। जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये पसंद कर रहे हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। और तकरीबन 300 से अबव जो है वो कुकिंग की वीडियोस हैं, और बहुत सारी हैं। मैंने इसीलिए स्टॉप कर दिया, क्योंकि चैनल आगे ग्रो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे भी चीज़ें डालना मेरी समझ से बाला है। बस अभी ब्लॉग से थोड़े से डालूंगी ना, और जब मूड होगा, अच्छी सी रेसिपी कोई आएगी नहीं तो ज़रूर डालूंगी। आपको बता चुकी हूँ, देसी खाने खाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ जो है हम लोग नहीं पसंद करते, सादे खाने होते हैं। तो जाइए, क्लिक कीजिए और रेसिपीज़ को देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ अगले किसी व्लॉग में, तब तक हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।